हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आपकी जो वैकेंसी निकली है वेरियस पोस्ट की, उसके बारे में बात करेंगे। आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। इसमें आपका कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से ले तक कब तक आवेदन कर सकते, सारी डिटेल इसमें बताऊंगा। जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है आपको बताऊँ, किस तरीके से आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी हेल्प की जो है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले मैं फॉर्म फिलिंग की जो है वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि हमारी वेरियस पोस्ट के। पर उससे बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, आप सबसे पहले अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड हमारे चैनल का नाम लर्निंग टाइम है, आप इसे सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तलाश रहती है। तो फ्रेंड मैं डेली आप लोगों के लिए हमारे चैनल लर्निंग टाइम से आप लोगों के लिए वैकेंसी बनाता रहता हूँ। तो आप आज हम आपको बता रहे हैं यूपीएससी की आपके ऑप्शन नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं उस सब की जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक्टिविटी डैशबोर्ड में आ रहा है। ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं वेरियस पोस्ट के लिए आ रहा है अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, आपको एडवर्टाइज नंबर 2/2021 में मिल जाएगा। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधी भर्ती पे आपको सिंपली क्लिक करना है। 21/12 से लेकर इसकी लास्ट डेट है फीस और फॉरम सबमिशन की 24/12, तो उस पर आप क्लिक करें। व्यू एडवर्टाइजमेंट पे मैंने देखिए आपके इंग्लिश हिंदी दोनों पे आ गए हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ फाइल आपकी यहाँ पे खुल जाएगी, जैसे आप पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी खुल जाएगी। तो मैं बता चुका हूँ आपके ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21/12, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 24/12। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश गृह पुलिस विभाग रेडियो सेवा की आपकी जो वैकेंसी दो है, इसमें दो पद है सहायक रेडियो अधिकारी की। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए है। पद का स्वरूप यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेतन यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, मैट्रिक लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, विभाग संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण से स्नातक उपाधि प्राप्त हो या उसके समकक्ष हो तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते। यहाँ पे एज आपको दे रहा है 21 से 27 दे रखे है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो उच्च शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय निम्नलिखित विषयों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की भर्ती निकली है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वेतन ग्रेड 15 से लेकर 39,100 तक है। ठीक है, आपको ग्रेड पे आपको देते हैं 21 से 40 दे रखी है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपको विभाग दे रखा है, रिक्त पदों की संख्या देखिए सामान्य यहाँ पे आपको जाति के हिसाब से डिवाइड कर रखा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपके शैक्षिक अभियंता के बारे में यहाँ पे आप पूरी जानकारी दे रखी है, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए पूरी जानकारी दे रखी है किस तरीके से आपको आपको आवेदन करना है, ये पूरी डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दर तक आपको दे रखा है। अनारक्षित के लिए 80 रुपये शुल्क है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 80 और अनुसूचित जाति के लिए 40। ठीक है, इसमें आपको 25 रुपये आपका जो ऑनलाइन शुल्क रहेगा। इसी तरीके से पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, पूरी यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है। यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शन व्यू एडवर्टाइजमेंट आपको बता रहेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर आप दे सकते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, पूरी उनकी जानकारी यहाँ पे उन्होंने समझा रखी है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन पे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो हमारी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे देखिए 55% जो आपके अंक आए हैं जो कि जनरल ओबीसी वालों के, यहाँ पे उनके लिए स्नातक उपाधि है तो यहाँ पे उनको लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो छूट दे रखी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फ्रेंड अब बात करते हैं हमारी दूसरी वैकेंसी है लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश, 3 पद पे है सहायक वस्तुविद अनारक्षित। ठीक है, अनारक्षित श्रेणी के लिए एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको खा आपको पद का स्वरूप समूह गा खा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते पीरियड आपको जो वेतन मिलेगा कुछ इस तरीके से 15 से लेकर आपको 39 तक मिलेगा। ठीक है, ग्रेड पे भी दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है, यहाँ पे आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 41 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अधिमान अर्हता है, अन्य बातों के समान अभ्यर्थियों की अधिमान दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष के न्यूनतम अभी तक सेवा की हो, तब आपके राष्ट्रीय कैडेट कोड में बी प्रमाण पत्र धारी किया हो,
तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो 21 से 40 आपकी एज लिमिट दे रखी है। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश के एलोपैथी में है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 61 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, उनकी सैलरी देखने को मिल जाएगी, उम्र यहाँ पे 26 से 40 दे रखी है, यहाँ पे आपको उनकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी उनकी वैकेंसी, ठीक है, उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी आपको जो शैक्षिक अर्हता है इन सबकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है, फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे पूरी डिटेल है, यही चीज आपको पेज पर मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी डिटेल आ रही है, तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथी विभाग की है, तो यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ग्रिड पे देखने को मिल जाएगा कितना मिला, आयुष विभाग की वैकेंसी यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, होम्योपैथी में अधिमानता संबंधित विषयों स्नातकोत्तर कि आपने किया हो तो अब उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पूरी डिटेल आ रही है, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो वैकेंसी है उसके आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे एग्जामिनेशन पूरी डिटेल आ रही है, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपको जो उसमें हेल्प है वो कहाँ कहाँ दे रखी है सारी जानकारी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड ये जैसे आपने इस पे आप क्लिक किया था, ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सैंपल ऑफ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन की आ रही है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, पूरी जानकारी इन्होंने इमेज वाइज दे रखी है, तो यहाँ पे आपको ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन की जहाँ पर यहाँ पे आप देखिए वैकेंसी है, ठीक है, इसमें से आपको जो आपकी वैकेंसी है उस पर आप यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पूरी इन्होंने एक एक स्टेप बाई जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको पूरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो यहाँ पे इन्होंने इमेज वाइज दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल कॉपी सबमिट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आने की पूरी देर की सैंपल कॉपी इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई पे जैसे मैंने क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने बताया था देखिए सेम वैसी प्रोसीजर है, नीचे आ रहा है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं जिस वैकेंसी की देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है आपको फी डिपॉजिट करनी है, किसी तरह से आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ से आप कर सकते हैं फी डिपॉजिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं फी डिपॉजिट के लिए, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डे बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ और मंथ, यहाँ पे इंटर आपको वेरिफिकेशन कोड करना हो, क्लिक हियर टू प्रोसीड पेमेंट पे आप जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए आपने फी पेमेंट कर लिया उसके बाद का जो सेकंड स्टेप होता है वो यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना हो प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं, अपडेट यहाँ पे देखिए आ रहा है। ठीक है, या फिर आप ये कर लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भी आपका है यहाँ पे आप बताना है रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ आपका अब रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आपको इस तरीके से प्रोसीड कर दीजिएगा। ठीक है, फी पेमेंट की डिटेल यहाँ पे आपको डाल देंगे तो इस तरीके से आपको प्रोसीड कर पाएंगे नेक्स्ट जो है फी के बाद। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं मॉडिफाई, आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर और डोमिसाइल यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही मैं डेली आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप फ्रेंड हमारे चैनल के माध्यम से डेली आप गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।